ऊपर की बस ट्रिप बहुत काफ़ी है और गर्मी भी बहुत है, लेकिन शाम के टाइम तो यहाँ पर बहुत ठंडी हो जाती है। सितंबर का महीना है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है, मतलब दो दिन बाद ही अक्टूबर है, इतना गड्ढा है मतलब पूछो मत, हर जगह पर गड्ढा, गड्ढे में बहुत भरोसा पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरे राइट साइड में सेम नगर अच्छा हरिद्वार की शाम है, ये जगह बड़े बड़े इवेंट के लिए जाती है। हमने यहाँ पे INC का एक इवेंट अटेंड किया था, भैया के एक्सपीरियंस बारे में मुझे पता दिया था, मैं हेलमेट का था, वो सोच रहे थे मैं दूसरे सिटी से आया या फिर दूसरे शहर से, उसे ले पकड़ के मुझे जुर्माना लगा रहे थे। मैंने बोला सुना मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो भी उन लोगों को पकड़ो, अब मैंने उन लोगों को थोड़ा बोला कि आगे क्योंकि मैं देने के लिए तैयार हूँ, आगे मैं आप लोगों से जो ऊपर के फॉर इंस्पेक्टर या फिर जो भी उन लोगों से बात करवाओ, सब वो लोग मजे करने लगे। यहाँ पे जैसे होते देख लो सब बैठे हुए हैं दिन के टाइम पर, वैसे तो है ये है काफ़ी कंट्री करने के लिए, और यही है रानीपुर मोड़। तो आप लोग को जो लोग हरिद्वार से है रानीपुर मोड़ जरूर से एक लाइक जरूर से देखने की चीज़ नहीं है, और रात के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है, और कभी कभी बिजली तो नहीं रहने की वजह से मैंने इसको रात के टाइम पे नहीं कवर किया, क्योंकि रानीपुर वाले लोग तो जानते हैं या जो लोग रहते हैं बिजली की हालत और पॉल्यूशन के बारे में, जबकि ठंडी की बात नहीं चाहिए कि ठंडी भी वक्त से हरी तौर पर फैल रहा चुका है, मौसम को रात के टाइम पर सच में बहुत ठंडा कर देता है। बिजली वाले तो यही है सर, यहाँ पर बिजली तो हमारे वाले तो जैसे मान लो सोलर तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, सोलर वाटर इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ होता नहीं है, सिर्फ थर्मल होता है, और यहाँ पे तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी चलता है, तब भी बहुत ही महंगा हो गया शायद 8 रुपये करके, और अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर आप लोग बता देना कि इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं। तो वैसे आगे जो है रेलवे स्टेशन राइट साइड पर होगा बस स्टैंड, वैसे हरिद्वार में जो लोग रहते हैं अभी यहाँ से जो मदन को सिटी है, ये लोग करते क्या है, सिर्फ पैसे खाने के लिए मतलब इतने बड़े बड़े कुर्सी संभालते हैं क्या पता है, सड़क की तरह सड़क में गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल लोग नजर नहीं आते क्योंकि वो लोग सड़क के ऊपर चलते नहीं हैं। तो यहाँ का कोई जर्नलिस्ट या फिर होता है तो जरूर ये चीज़ हमारे वहाँ पर जब सारा जगह खराब ही होगा, जैसे मतलब स्टेट हाईवे तो बिल्कुल गड्ढे नहीं मिलेगा स्टेट हाईवे में, हाँ नेशनल हाईवे पर मिलता है क्योंकि हमारे वहाँ पे स्टेट और नेशनल जो दोनों अलग अलग है, कांग्रेस पार्टी में मिलने का सरकार में भी होगा, इस तरह से कुछ हो जाता है कभी कभी नेशनल हाईवे के गड्ढे मिल जाएगा, स्टेट हाईवे में बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे स्टेट नेशनल हाईवे बिल्कुल काम नहीं करते अच्छे से, पॉलिटिशियन से मतलब अगर इन सब चीज़ों को जैसे टैक्स चाहिए तो इन लोगों को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा ये सब होता है, लेकिन वो लोग कुछ काम नहीं करेगा, और पुलिस इतना सख्त है मतलब आप जैसे कि मान लो सीट बेल्ट पहन के नहीं गाड़ी चलाओगे अब तो हो गई, दूर से देख लेगा आगे वाले सिग्नल पे वॉकी टॉकी पे पता देगा आप लोगों को पता देगा, और इस तरह से जैसे कि मान लो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, अगर लाइसेंस नहीं होगा ये सब नहीं होगा तब तो और भी, और ये लोगों को गलत किया गया। वैसे मैं हरिद्वार वालों को या फिर रानीपुर के आस पास जो लोग रहते सबसे बहुत ही बहुत ही लोगों में है कुछ तो है तो झेल लेते हो सकते, हमारे वहाँ पे इस तरह से इतना बड़ा काम तो नहीं होता है क्योंकि पहले ज़माने में इसका काम पूरा हो जाए, जबकि यहाँ पे अभी इस तरह का काम चल जाए, लेकिन हाँ ये काम पूरा होने के बाद हरिद्वार जिस तरह से लगेगा वो सच में देखने लायक होगा, इसीलिए मैं हरिद्वार वालों को कहता हूँ सच में लोगों ने कुछ, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
Eric Gordon. Aquí es Bank of India है. वैसे बहुत मेरे सामने आ गई इसलिए इतना वक्त लगा है. तो ये है Bank of India. यहाँ पे मेरा कुछ काम है. मैं पहले वीडियो को खत्म करके आता हूँ थोड़ा और आगे जाके. ये पास वाले को तो के ऊपर बिल्कुल पार्क नहीं कर सकते. ये हमारे वहाँ का रूल है. अगर लोकल पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन करेगा तो आपको पता फाइन तो लगेगा, वहाँ में बाइक भी ले चार्ज कर जाएगा. इसका यहाँ के लोग तो मतलब सड़क के ऊपर इतना बाइक रखते हैं. मैं एक जगह पे दिखाना चाहता वो पीछे इस तरह आप लोग देखते ना मतलब सच में लोगों को कुछ दिन बाद जगह नहीं मिलता चलने के लिए. पार्किंग ही पार्किंग है.